तो हम लोग ने यहाँ से कुछ सामान लिया है और ये वो सामान है। तो केक के लिए हम लोग ने बॉक्स ले लिया है यहाँ से। तो ये वो जगह है जहाँ से मैंने बॉक्स लिया है और मैं आपको इसके बारे में डिटेल में कभी बताऊंगी। और यहाँ होल सेल में आपको बॉक्स मिल सकता है। मैं जा रही हूँ बेकिंग का सामान लेने, व्हिप क्रीम यानी हैवी क्रीम और कई चीजें खत्म हो गई थी तो मैं जा रही हूँ लेने। और सोचा क्यों ना आज आपको दिखाया जाए कि मैं कहाँ से लेती हूँ और कैसे लेती हूँ। और ये प्रॉपर मैं सिविल लाइन्स से लेती हूँ। जो लोग प्रयागराज में हैं उन्हें पता होगा कि सिविल लाइन्स कहाँ पड़ता है, और जो लोग नहीं हैं वो लोग ये देखेंगे कि मैं कैसे लेती हूँ, क्या क्या लेती हूँ, और जो बेकिंग की शॉप होती है जहाँ सामान मिलते हैं वो शॉप कैसी होती है, वहाँ क्या क्या आपको मिल सकता है। तो चलिए चलते हैं और मैं आपको थोड़ा रास्ता भी दिखाऊंगी। जो लोग प्रयागराज में हैं उन्हें आसानी होगी बेकिंग का सामान लेने में। तो मैं इस समय सिविल लाइन्स में हूँ और PBR बीत चुका है और उसी रोड पे मैं आगे जा रही हूँ। सामने जो मूर्ति दिख रही है ये एक चौराहा है, इसको सुभाष चौराहा कहा जाता है और ये सिविल लाइन्स का मेन चौराहा है। जो सामने कलरफुल बिल्डिंग है लेफ्ट साइड, ये इंदिरा भवन है और हमें घूमकर जाना है राइट साइड, इस साइड जाना है। ये चर्च वाली रोड है यानी आगे जाने पे आपको चर्च मिलेगा। तो बस घूमते हैं और इस रोड पे आते हैं। ले लिया है और बिल्कुल सामने जो एकदम दिख रहा होगा तो वो चर्च है। अगर हम लोग आगे जाएंगे, पर हम लोग को आगे नहीं जाना है, हम लोग को लेफ्ट टर्न लेना है। तो ये देखिए, ये है यहाँ, जो लोग प्रयागराज में रहते हैं उन्हें पता है ये पैलेस सिनेमा है, हॉल है और ये पैलेस है। तो पैलेस के आगे आते ही पहला जो टर्न पड़ता है लेफ्ट साइड, हम लोग मोड़ रहे हैं और ये टर्न लिया। और अगर इस साइड देखेंगे तो इधर केके सेल्स है और इधर जो है, इधर जो शॉप है वो है जहाँ मेरा जो बेकिंग का सामान है वो मिलता है। तो ये है शॉप, ये वाली। जैसे इस शॉप में घुसते हैं तो यहाँ हमें राइट साइड देखने को मिल जाएंगे स्पाइसेस। ये शॉप दो फ्लोर में है तो ये नीचे वाला फ्लोर है। ढेर सारे आपको स्पाइसेस मिलेंगे, इटालियन सीजनिंग मिल जाएंगी, साथ में छोटे छोटे पैकेट्स में आपको कैस्टर शुगर, ब्राउन शुगर, अगर अगर साथ में बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ऐसी कई चीज़ें आपको छोटे पैकेट में मिल जाएंगी जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। यहाँ इंस्टेंट ड्राई ईस्ट भी है जो जल्दी नहीं मिलती है, यहाँ आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और ऐसी कई चीज़ें यहाँ आपको आसानी से मिल जाएंगी। और जो घर की छोटी मोटी ज़रूरत होती है, ज़रूरत के सामान होते हैं जैसे कॉफ़ी है, चाय है, ये सब भी आपको यहाँ बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो ये है हमारा लेफ्ट वाला साइड जहाँ आपको मिलेगा सभी तरह के सॉसेस, ड्राई फ्रूट, नट्स मिल जाएंगे, आपको वेफर्स मिल जाएंगे और ये रैप जो आते हैं जो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये भी आपको यहाँ बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो ये जो सेक्शन आप सब देख रहे हैं ये नीचे वाला फ्लोर है, यहाँ आपको कैंडीज भी मिल जाएंगी, जेली वाली जो कैंडीज आती हैं, ट्यूटी फ्रूटी है, छोटे पैकेट में, बड़े पैकेट में भी मिलती है, 1 kg पैकेट में भी यहाँ मिल जाता है। पनीर टिक्का वाली स्टिक है, क्रश है, पाइनएप्पल क्रश है, ऑरेंज क्रश है, बनाना, मैंगो, ब्लैकबेरी, तो सब तरह के क्रश भी यहाँ बहुत ही आसानी से मिलते हैं। और मैं इसे केक में भी यूज़ करती हूँ, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। यहाँ आपको जो कॉकटेल बनाने वाला सिरप आता है वो भी मिल जाएगा। और ये देखिए जो कैन है, ये टिन है, यहाँ आपको चेरी, पाइनएप्पल,
स्लाइस जो होते हैं और मिक्स फ्रूट कॉकटेल जो मैं अपने केक में हमेशा यूज करती हूँ वो भी आपको मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ रखा हुआ है और इससे केक का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो ये सब चीज़ें लगी हुई हैं, बहुत सिस्टमैटिक लगी हुई हैं, सब चीज़ें सामने दिखती हैं, तो पूछना नहीं पड़ता है, आपको किसी से पूछना नहीं है, मांगना नहीं है। यहाँ रखा हुआ है एसेंस, और इसका एसेंस थोड़ा महंगा होता है इस ब्रांड का, पर बहुत ही स्ट्रांग होता है और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है केक में। कोकोनट क्रीम भी मिल जाएगी, अक्सर प्रयागराज में हर दुकान पे नहीं मिलता है। चॉकलेट के स्लैब्स हैं, यानी कंपाउंड चॉकलेट है, और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। 500 ग्राम का है, यानी हाफ केजी का है। तो वाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट, कई वैरायटीज़ हैं, और चॉकलेट सॉस हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, और पूरा सेटअप है इनका, और बहुत ही अच्छे से सभी चीज़ें यहाँ रखी गई हैं। नीचे वाले फ्लोर में आपको डेकोरेशन का सामान थोड़ा कम मिलेगा और वो सामान आपको ऊपर ही मिलने वाला है। तो यहाँ आपको स्प्रिंकल्स, जैम्स, इसके बड़े पैकेट, 1 kg के पैकेट, छोटे डिब्बे में भी ये आपको मिल जाएंगे। तरह तरह के नोजल्स मिल जाएंगे, गनाश मिल जाएगा, ग्लेस मिल जाएगा, न्यूट्रल जेल मिल जाएगा, और साथ में फिलिंग्स भी यहाँ बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो अब मैं ऊपर आ गई हूँ और ऊपर सभी डेकोरेशन के यहाँ सामान है। तो हर तरह के यहाँ टैग है, एनिवर्सरी, बर्थडे, ये लाइट वाला है जिसमें लाइट चलती है, 90 rupees लिखा है इस पे, और कपल वाला भी मिल जाएगा 80 rupees का। हैप्पी बर्थडे मिलेगा, हैप्पी एनिवर्सरी मिलेगा, बहुत से हैं। साथ में ये फॉन्डन का डिब्बा है, ब्राउन कलर का है, और 1 kg का है, यहाँ छोटा नहीं मिलता, ये थोड़ी प्रॉब्लम है। 1 kg का आपको हर कलर में मिल जाएगा। साथ में यहाँ कलरफुल स्प्रिंकल्स मिल जाएंगे, स्पार्कल मिल जाएंगे, जो डस्ट होता है जिससे केक थोड़ा शाइनिंग करने लगता है, ये वही है। और इसके प्राइस मेरे ख्याल से 500 या 600 होंगे, मैंने देखा नहीं है तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती। और ये लिक्विड वाला है, ये गोल्डन कलर का है और सिल्वर भी इसमें है, तो ये लिक्विड है जो केक के साइड में डालते हैं, ये वही है, तो ड्रॉपिंग वाला जो ड्रॉप करके डाला जाता है। और ये गोल्डन डस्ट है, इसमें कलरफुल डस्ट भी है, और आप सिंपल कलर चाहते हैं जिसमें स्पार्कल ना हो वो भी आपको मिल जाएंगे। ये देखिए छोटी छोटी मोतियाँ हैं, ये भी आपको मिल जाएंगी, ये खाने वाली मोती होती है, सिल्वर बॉल्स कहते हैं। पाइपिंग बैग है, पूरा बंडल है, खुला नहीं देते ये लोग, पूरा देते हैं, और जो पैकेट खुल जाता है तो उसमें से ये खोल के भी दे देते हैं। हैप्पी बर्थडे का पूरा टैग है, अगर आप होम बेकर हैं या आपकी शॉप है तो यहाँ आप बहुत ही आसानी से हर चीज़ खरीद सकते हैं, और कई तरह के आपको यहाँ टैग मिल जाएंगे। ये कलरफुल वाली लाइट है जो बर्थडे केक पे लगाई जाती है, उसमें लाइट जलती है, कुछ इसी तरह का मुझे ये लग रहा है फ्लावर। सेकेंड फ्लोर पे आपको सभी चीज़ें मिलेंगी, यानी डेकोरेशन की सभी चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी, और बहुत ही अच्छे से सभी चीज़ों को रखा गया है, ये आप खुद जाकर देख सकते हैं, और आपको जो लेना है वो बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। तो ये प्लास्टिक वाले चाकू थे, नाइफ थी, और ये कलरफुल स्प्रिंकल्स हैं, राइस बॉल्स हैं, और इसे हम लोग चॉकलेट में यूज़ करते हैं। बोर्ड मिल जाएंगे, हर साइज़ के बोर्ड मिलते हैं, बड़े से छोटे, थोड़े पतले मोटे, अगर आपको बड़ा केक बनाना है तो उसके लिए अच्छे बोर्ड मिल जाएंगे, और प्राइस भी बहुत ही अच्छा है, मेगा से 4 या 4.5 rupees से शुरुआत होती है, और जो मैंने बोर्ड लिया है वो 45 rupees का है, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इस शॉप पे आपको हर तरह के सामान मिलेंगे, नॉर्मल केक बनाने से लेके फॉन्डन केक बनाने तक के सामान आपको मिल जाएंगे। तो ये मैंने बोर्ड लिया है और ये 45 rupees का है, और इस पर हम 10 kg तक का केक बना सकते हैं। रोटेटिंग टेबल है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के रोटेटिंग टेबल हैं, और कई वैरायटीज के हैं, और ये देखिए केक मोल्ड है, यानी केक टिन है, हर साइज के हैं, छोटे से बड़े, हर शेप में है, और ये यहाँ जो सेक्शन है मोल्ड के नीचे, यानी केक टिन के नीचे, यहाँ आपको चॉकलेट मोल्ड मिल जाएंगे, और बहुत ढेर सारे हैं, पसंद करना मुश्किल हो जाएगा, इतने यहाँ मोल्ड्स हैं। और ये देखिए कटर्स भी हैं, ABCD कटर मुझे नया दिखा, और ये कटर तो मेरे पास है और नॉर्मल हर शॉप पे मिल जाता है। ब्रेड टिन है, 150 का है, थोड़ा ठीक नहीं दिख रहा है, पर दूसरा है कुछ इस तरह का है, और ये मेरे पास भी है तो मुझे नहीं चाहिए। ये नई चीज़ देखी क्योंकि ये हर जगह नहीं मिलता है, ये एयर ब्रश है, और जो एडवांस बेकिंग होती है, आइसिंग होती है, उसमें ये यूज़ किया जाता है। छोटे छोटे आपको कप मिल जाएंगे कपकेक बनाने के लिए, एडेबल
फ्लावर मिल जाएगा। इस फ्लावर को आप खा भी सकते हैं और केक में यूज भी कर सकते हैं। तो कई तरह के हैं, स्प्रिंकल्स हैं छोटे छोटे डिब्बे में आपको मिल जाएंगे यहाँ। और मेन चीज केक बीटर, हैंड हीटर और स्पैचुला, ये सब आपको यहाँ बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और क्वालिटी इनकी बहुत ही अच्छी है। तो अगर आप बेकिंग करना चाहते हैं और बेकिंग करने को सोच रहे हैं या आप करते हैं, तो आपको इन सभी सामानों की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। और हो सकता है कि आपके पास ये सभी सामान हो, और जिनके पास नहीं है तो कोई ऐसी एक शॉप ज़रूर ढूंढ लें जहाँ ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो ये देखिए जो डस्ट है ये मैं यूज़ करती हूँ, और मैंने तो ऑनलाइन लिया था पर अब यहाँ भी मिलने लगा है। रशियन नोज़ल है। आप बेकिंग में कुछ भी बना रहे हो, एक चीज की जरूरत पड़ने वाली है, वो है ये बाउल। आप वैसे कोई भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पूरा सेट मिलता है। तो सामने आपको केके सर्स दिख रहा होगा, ये एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है और प्रयागराज में जो लोग रहते हैं वो लोग जानते होंगे। और ये सामने मेन रोड है, मेन रोड से थोड़ा सा अंदर आना है, सामने केके सर्स और अपोजिट यानी उसके बिल्कुल सामने ये वाली शॉप पड़ती है। तो मैंने एड्रेस और फोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो एक ही छत के नीचे सभी सामान आपको यहाँ मिलने वाले हैं। और आप अक्सर पूछते हैं कि मैं कौन सी क्रीम यूज़ करती हूँ, तो मैं रिच की करती हूँ। साथ में मैंने प्रीमिक्स थोड़ा सा लिया है, जो मैं पहली बार चॉकलेट प्रीमिक्स यूज़ करने वाली हूँ बाहर का। और यहाँ जो शॉपिंग है मेरी हो चुकी है और अब मैं शॉप के बाहर निकल रही हूँ। मैंने यहाँ केक का सामान ले लिया है, व्हिप क्रीम लिया, केक बोर्ड लिया और बॉक्स लिया है और कई चीज़ें ली हैं, छोटी छोटी चीज़ें ली हैं क्योंकि और सब चीज़ें मेरे पास थी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप भी बहुत ही आसानी से बेकिंग का काम यानी होम बेकर्स आप बन सकते हैं, घर से ही बेकरी शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप बेकिंग करते हैं और आपको शौक है तो फटाफट शुरू कर दीजिए और बहुत ही मजा आता है। और मैं यहाँ रुकी हूँ समोसा खाने के लिए, और यहाँ कोई नहीं है तो मैं मास्क उतार सकती हूँ। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो लोग प्रयागराज में हैं वो आकर यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं, बेकिंग का सामान ले सकते हैं। और पूरा डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, एड्रेस, फोन नंबर और गूगल मैप भी मैं दे दूंगी, अगर मुझे मिल जाता है तो मैं दे दूंगी नीचे। और आप आए आसानी से, आप सिविलाइंस में ही, प्रॉपर सिविलाइंस में ही ये शॉप है तो आप ले सकते हैं यहाँ से। तो फटाफट लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर करिए, जो लोग प्रयागराज में है उन्हें तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। और एक बार फिर से मिलते हैं, तब तक बाय एंड टेक केयर, खुश रहें, सबको खुश रखें। तो यहाँ है ये गर्मा गर्म समोसे चटनी के साथ, तो चलिए इसे खाया जाता है।